सर जी, पाकिस्तान के आजकल हालात चाह रहे हैं जी तो आजकल बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई हुई है, बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या समझते हैं आपके नॉलेज के हिसाब से कि आजकल जो कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है इमरान खान ठीक है, कोई कहता है इमरान नून लीग ठीक है, तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए बेटर कौन सा बंदा है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र। शुक्रिया भैया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली सर, हम अगर किसी के बारे में ये बात करेंगे ना, फ़लाँ ठीक है या ये ठीक है या वो ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये सियासी बात हो जाएगी। तो हम सियासी बात के बजाय नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आप हम एक मिसाल से बात करते हैं कि आप ये समझ लें कि जैसे रियासत है, पाकिस्तान है, समझ लें कि हमारा एक घर है, हम इसको घर के तौर पे कंसीडर करते हैं। राइट, ठीक है। तो घर में कौन सरबराह होता है? माँ होती है, बाप होता है, बड़ा भाई होता है, या जो भी, यही होता है। बेशक, यस। अब हमने देखना है कि हम अवाम हैं, हमारे माँ बाप का घर में बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। माँ जो है, रियासत भी एक माँ की तरह होती है। माँ क्या करती है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो खाना पहले बच्चों को खिलाती है, बाद में खुद खाती है। बाप अपने कपड़े बाद में लेता है, बच्चों के पहले लेता है। ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ठीक। ये एक हमारी, समझ लें, कॉमन हमारी वैल्यूज़ में, रवायात में माँ का एक जज्बा और बाप का एक जज्बा। तो आप इस चीज़ को अवेलुएट इस तरह करें कि हमारे, समझ लें कि घर, हमारा घर है पाकिस्तान, और इसके सरबराह, समझ लें, पॉलिटिशन हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, हमारा मीडिया मीडिया है। जी, है, ब्यूरोक्रेसी है। बेशक, सही बात। ये पांच तकरीबन, इनमें से कोई एक मुझे बता दें, इवन कि चलो पार्टियों की, सियासी पार्टियों की बात कर लेते, कोई एक सियासतदान मुझे बता दें जिसमें ये जज्बा है कि वो माँ बाप की तरह हमें बिहेव करें, हमारा ख्याल पहले करें, पैसा बाहर से ला के हमें खिलाए, रोटी बाद में खाए। यहाँ पे मुझे बताएं, किसी एक में ये जज्बा है तो मैं उसको कह दूँगा ठीक है। हम किसी की बात ही नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि ये जज्बा जिसमें है वो ठीक है। जो हमारा पैसा बाहर ले जाए, हम बच्चों को रोटी छीन ले, सैलाब जदगान का फंड खा जाएं, उनको देने के बजाय उनके घर की छत छीन लें, उनका ख्याल ना करें, आम आवाम की महंगाई में जो पिस रहे हैं उनका किसी को ख्याल ना हो। सियासतदानों को आप देखते हैं रोज़, उनके कैसे कैसे रंगत है, उनकी किस तरह का ऐसे उनका रवैया है। मतलब उनको कभी फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों से कि बिल्कुल नहीं। महंगाई हो रही, किसको फ़र्क पड़ता है? क्या रियासत जो माँ है या हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये इनका तो, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनके पास वो जज्बा, जिसके पास ये जज्बा है वो ठीक है, जिसके पास जज्बा ये नहीं है वो ठीक नहीं है। ठीक, इसको सिर्फ आप किसी का नाम लिए बगैर आप ये जहन में सोच लें कि हम आवाम बच्चों, बच्चे हैं, औलाद हैं, रियासत जो है हमारी माँ है, और रियासत में जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं वो हमारे माँ बाप हैं, वो माँ बाप वाला रुपया रखते हैं, उनका जज्बा वैसा है जैसे माँ और बाप का होता है। रोटी कम हो जाए ना तो माँ कहती है बच्चों आप खाएं, मुझे आज भूख नहीं है। बाद में उनके बचे हुए टुकड़े खा रही होती है, बच्चे पूछते हैं मम्मा आपको तो भूख नहीं थी, तो बच्चे क्या कहते हैं, माँ क्या कहती है, बेटा ये ज़ाया हो जाएगी, मैं इसलिए खा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे किसी को रायवन महल में नींद नहीं आती, कोई बनी गाला के घर में रहता है, किसी के बाहर फ्लैट्स हैं, कोई श्रेय महल खरीदा हुआ है। ये आप मुझे बताएं, आप किसको ठीक कहेंगे? मैं तो कम से कम इस अगर नज़रिए पर परखूँ तो तो कोई भी मुझे ठीक तो नहीं। सारे के सारे माँ बाप जिसमें जज्बा ही नहीं है, हम इनको कैसे ठीक कह सकते हैं? तो ये मेरा नज़रिया।